हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन लीफ किचन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और एक डिफरेंट स्टाइल में करेले की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जिससे आपकी करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 से 12 करेले लिए हैं, तो इन्हें अच्छे से पानी में धो लिया है और सुखा लिया है। तो चलिए करेले को कट कर लेते हैं। इसे कट करने के लिए इसके कॉर्नर पे जो अनवांटेड पार्ट है उसे आप काट कर साइड में रख दें और इसके डंठल को भी ऐसे काट दें और साइड में रख दें। अब हम इसे नॉर्मली राउंड शेप में कट कर लेंगे। इस तरीके की करेले की सब्जी जब हम बनाएंगे ना तो इसमें हम बीज को बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, बीज के साथ ही करेले को कट कर लेंगे। इस टाइप की करेले की सब्जी में हम करेले का छिलका भी नहीं निकालेंगे क्योंकि करेले का छिलका बहुत हेल्दी होता है। तो इसी तरीके से मैं सारे करेले को कट कर लूँगी। जब सारे करेले कट जाएंगे तो हम उसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 छोटी चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें एक नींबू का रस निचोड़ देंगे। नमक और नींबू डालने से क्या होगा, करेले का कड़वापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। नमक को और लेमन जूस को अच्छे से सारे करेलों में मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद इसे ढककर रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो और ज़्यादा टाइम के लिए इसे ढककर रख सकते हैं। जितने ज़्यादा समय के लिए आप इन्हें ढककर रख देंगे उतना ही इनका कड़वापन दूर हो जाएगा। तो देखिए नमक और नींबू का रस डालने से क्या हुआ, ये पानी छोड़ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन करेलों में से पानी निकालना है। तो आप अपनी हथेली में इन करेलों को ले लें और ऐसे निचोड़ दें। तो देखिए ऐसे निचोड़ने से क्या होगा, काफ़ी हद तक इनका पानी निकल जाएगा, कड़वापन दूर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सारे करेलों को निचोड़ लेना है। इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन करेले बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए करेले को निचोड़ने के बाद इसमें कितना सारा पानी निकला है। इन्हें निचोड़ने के बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। इन्हें लंबे पीसेस में कट कर लिया है और इन्हें फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हरी मिर्च को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 कच्चे आम। जो छोटे छोटे कच्चे आम होते हैं ना उनको काट कर डाल दीजिए, इसे करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन्हें 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल देंगे करेले। करेले कढ़ाई में डालने के बाद इन्हें अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से करेले की सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। अब इसमें डाल देंगे 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से करेले में मिक्स कर लें ताकि करेले में बहुत अच्छा टेस्ट आए इन मसालों का। करेले को मिक्स करने के बाद इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, गैस को लो फ्लेम कर देंगे। 8 से 10 मिनट बाद इन्हें चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले करेले को पलट लीजिए। तो देखिए करेले काफ़ी हद तक पक चुके हैं और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। जब भी करेले की सब्जी बनाएं तो उसमें खटाई डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ये सब्जी अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और इसे भी मिक्स कर लेंगे। गैस यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम रहनी चाहिए। तो हमारी करेले की सब्जी रेडी हो चुकी है। अब इसे गार्निश कर देंगे बहुत सारे फ्रेश हरे धनिए के साथ और हरे धनिए को भी करेले में मिक्स कर लेंगे। करेले की सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया है और करेले भी बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। इस टाइप की करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है, आप इसे लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। करेले की सब्जी को आप रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। वो बिल्कुल आपकी तारीफ करेंगे कि ये करेले तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। इस तरीके से करेले की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये करेले की सब्जी कैसी लगी।